दुआ है गलत आपको मते ताकत इसलिए हमें बताते रहे, हम सुनते रहे। सवाल एक छोटा सा ये है जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा था कि मेरे जैसा तेरे जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता जी, क्यामत तक ये स्टैंप तो लगा गए, इसके पीछे कौन सा फलसफा है, इसके पीछे कौन सा राज है, इसके पीछे कौन सी ऐसी बात थी कि इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं कर सकता, ना कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। भोज नकवी साहब ने बड़ा, जिस पर आपने कुछ इशारतन बात भी की थी, क्या फलसफा क्या है मुझ जैसा और बहती दुनिया तक जो बात। मैं अर्ज करूं कि मैंने तो शुरू ही इस जुमले को यहाँ से किया था कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम हम उस तरह नहीं समझ सकते कि जो इमाम हमें जिस तरह इमाम फरमा रहे हैं, क्योंकि हम तो अपनी सकत अपनी अकल के मुताबिक नाकिस अकल के मुताबिक समझेंगे। तो फरमाया ये है इमाम अलैहिस्सलाम ने, मिसली ला युबाजी मिसला, मुझ जैसा कभी भी उस जैसे की बैत नहीं करेगा। तो मैंने अर्ज किया कि इमाम अलैहिस्सलाम फकत हमें ये नहीं बता रहे कि मुझ जैसा और मेरे बाद आने वाला कोई हुसैनी या मुझ जैसा, नहीं, आदम से लेकर कयामत तक। और बताना ये चाह रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम कि ये जो तुम कहते हैं ना कि मेरे बाबा ने बैत की थी या मेरे भैया ने बैत की थी, कभी ये ना सोचना, क्योंकि इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि वो मुझ जैसे थे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन हो या नबी मुकर्रम हो या हसन इब्ने अली हो, हसन हुसैन के बड़े भाई को कहते हैं, अली हुसैन के बाबा को कहते हैं और मोहम्मद हुसैन के नाना को कहते हैं। तो जब हुसैन किसी अपने अलावा तय हो गया कि बैत उसकी होती है जो अपने से बेहतर हो, ठीक है, क्या ऐसे हो सकता है कि बेहतर दूसरा हो और जो कमतर हो, इस्लाम कहे कि तुम कमतर की बैत करो, कभी भी नहीं। पहले अदवार बहुत से शुभात जो है मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त के कहा जाता है जी बैत की, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे आयाम भी आएंगे उस पर बात होगी बैत की, तो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने वो जो खोल के बात कर रहा, ठीक है, मैं अभी होते हुए यदि इतने कह रहा हूं उनको, ठीक है, जो उनके मुकाबले में थे होते हुए यदि मैं कह नहीं रहा, ठीक है, समझदार समझ जाएंगे, बिल्कुल सही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बैत हमेशा बेहतर की की जाती है और कमतर करने वाला होता है। है किसी मुसलमान में ये जुर्रत जो ये कह दे कि नबी मुकर्रम थे, नबी मुकर्रम के होते हुए कोई बेहतर था, नहीं था, तो बैत किसकी थी, मेरे नबी की। तो कौन है, कह देना तो आसान होता है, जुबान से जुबान हिलती है, लोग खुदा का भी इनकार कर देते हैं, नबूवत और रिसालत का इनकार करते हैं, हकीकत क्या है कि नबियों के नबी ने एक जुमले में बताया, नबियों के नबी ने वो नबी जो आदम के मौला है, जो नूह के मौला है, जो इब्राहिम के मौला है, जो मूसा के मौला, जो ईसा के मौला, जो काबे के मौला, जो कुरान के मौला, अल्लाह के बाद जो हर चीज के मौला है मुस्तफा, उन्होंने गदीर के मकाम पर सबको बुलाकर 1.25 लाख सहाबियों को इकट्ठे करके अली का बाजू बुलंद करके कहा था, जिस जिस का मैं मौला हूं ना, चाहे वो आदम हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो काबा हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो कुतुब आसमानी हो, चाहे वो अदियान आसमानी हो, चाहे तुम में से कोई हो, जो जो मुझे मौला मानता है वो उसी तरह अली को भी मौला माने। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बता दिया। तो अब अली से अगर को बैत मांगेगा तो वो अली से बैत नहीं मांगेगा, वो मोहम्मद से बैत मांगेगा। और जो बदबख्त ये जुर्रत नहीं कर सकता कि मोहम्मद से बैत मांगे, वो कैसे जुर्रत कर सकता है कि अली से बैत मांगे? और ये कैसे हो सकता है कि अली मोहम्मद के अलावा किसी की बैत कर रहे? क्योंकि मोहम्मद के बाद जो बेहतर है वो अली है, और बेहतर कमतर की बैत नहीं करता, कमतर बेहतर की बैत करता है, यही हुसैन बताना चाहते थे। अल्लाह हू अकबर।
अपने अपने दौर का जो बेहतर होगा, चाहे वो मेरे नाना मुस्तफा की सूरत में हो, चाहे वो मेरे बाबा अली मुर्तजा की सूरत में हो, चाहे वो मेरे भैया हसन मुस्तफा की सूरत में हो, चाहे वो मेरी सूरत में हो, वो कभी भी तुझ जैसे की बात नहीं करेगा। और एक और बात कर दूं, जरूर वो अता करने वाले हैं। जुमला सुनिएगा, बता दिया हुसैन कि जो मुझ जैसे से, जो जब जैसे भी मुझ जैसे से बैत तलब करे होगा, तलब करेगा, वो जदीद जैसा होगा। वाह 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 वाह, जाहिर है उस जैसे भी तो होंगे कोई। सही है, बता दिया मुझ जैसा कभी भी उस जैसे की, याद रखना, जो जब जैसे भी घर में बैठे हुए तलवारें लेकर आग लेके आ जाए, ठीक, और बैत तलब करे मुझ जैसे से, वो जदीद जैसा होगा। हुसैन ने यदीदियों के दरबार में खड़े होकर कहा, तेरा बड़ा भी यदीदी था, उससे आगे आना वाली वो यदीदी था, और तू भी यदीदी है, और यदीदी का बिठाया हुआ है। ये है फलसफा, ये बताना चाहते थे मौला। और आज के बाद भी जो मुझ जैसा होगा, जो मेरे मानने वाला होगा, वो कभी भी तुझ जैसे की बात